सुनने में आ रहा था OMG पार्ट 2 को OTT पर रिलीज करा जाए, तो फिर अभी मैं ये मूवी देख कर आया हूँ, तो क्या इसको OTT पर रिलीज करना चाहिए था? तो इसी पर बात करेंगे, और सारे बहुत सारे मुद्दे हैं इस पर बात करने के लिए, तो वीडियो बहुत लंबी नहीं करूँगा क्योंकि भाई मूवी के बारे में बताना भी ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन ओवरऑल कुछ बातें हैं जो कि ट्रेलर में नहीं बताया गया, लेकिन अगर तुमको बताऊँ तो ज़्यादा इफेक्ट वगैरह नहीं करेगा, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे और स्टोरी को रिवील ना करते हुए तुम्हारा सस्पेंस एकदम बनाए रखेंगे, तो फिर वीडियो लास्ट तक देखना। चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। अब ये मूवी फुल टू एंटरटेनमेंट वाली मूवी है, इसमें कॉमेडी वगैरह ड्रामा सब कुछ तुमको देखने को मिल जाएगा। कहानी ये है दोस्त कि एक जो पंडित हैं वो कांतिलाल मेहता, वो उनका बेटा मास्टरबेशन करते हुए स्कूल में पकड़ा जाता है, उसकी वीडियो वायरल हो जाती है, समाज में फैल जाती है। अब क्या होता है कि इससे रिलेटेड उसके स्कूल वाले उसको बाहर कर देते हैं, लेकिन उसका बाप भी उसको सुनाता उनाता है और सोसाइटी में भी उनको बाहर कर दिए जाते हैं। फिर उनको भी भाई रहना पड़ता है एक दलित के साथ, तो फिर वो सब सीन भी देखने को मिलते हैं, बाबा अम्बेडकर की फोटो भी लगी रहती है, तो फिर वो चीज़ें हैं जो कि अभी मैं उसको होल्ड करूंगा। और फिर देखा जाए इसमें सेंसर बोर्ड ने जो कैंची चलाई है 27 कट काट के, भाई कहाँ कहाँ काटी है इसको भाई, मुझे लगता है कि सारे कट्स अच्छे सर का ही सीन काटा हुआ है, जो कि अच्छे सर इसमें जहाँ भी जब भी आते हैं तो भाई साहब एकदम ऐसी खुशी आती है कि भाई साहब इनको लाओ यार लाओ, मेरे को अच्छे सर चाहिए। अब ये सीन था तो फिर भाई मैं, और देखा जाए तो इस मूवी का प्रमोशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, तो भाई लग रहा है कि अक्षय सर की अपकमिंग खल रही है, जो कि अच्छी बात है। ये भाई हर तरीके से, जैसे अभी साल में आ जाते थे भाई 2-3 मूवी लेकर, लेकिन अभी जो है अगस्त चल रहा है, 11 अगस्त आ गया भाई, लेकिन इनकी 2 ही मूवी भाई, इनकी सेल्फी मूवी आई थी भाई, इतना ग्रैंड लेवल पर प्रमोशन कर रहे थे, साला ओपनिंग डे 3 करोड़ का निकला था भाई, जबकि सेल्फी मूवी रीमेक थी नो डाउट, लेकिन हम इमरान हाशमी और काफ़ी कमाल की एक्टिंग भाई, एनर्जी अक्षय सर की देखने को मिली, वो एकदम ग्रैंड लेवल, लेकिन फिर भी मूवी अनसक्सेसफुल थी। क्यों थी? क्योंकि भाई वही उनका सेम आ जाते थे, हर जगह दिखते रहते थे, छुपन छुपाई वाला काम नहीं रहता था हर जगह अक्षय सर। तो अभी देखो वही शाहरुख खान वाला सीन होता, कहीं भी एक क्लिप दिख जाती शाहरुख खान की तो बवाल मच जाता, सोशल मीडिया पर हर जगह उनकी ही न्यूज चलती रहती है ये फेस रिवील कर देने पर। तो फिर यही सेम अब मैटर अक्षय सर के साथ दिख रहा है कि हाँ भाई इनका तो भाई अब आना बनता है, कि अब भाई आप उनके तो चाहिए कि अक्षय सर आए। अब चलो बात करते हैं थोड़ी बहुत स्टोरी के बारे में। तो फिर अभी इसमें जज और इसमें मतलब कोर्ट का सीन, और फिर एक वकील, फिर उसके बाद एक आम ऑडियंस को लेकर भी इसमें बात करी गई है, जो कि देखा जाए तो फिर जब इसमें डिबेट वगैरह होता है तो एक कोर्ट में कैसे किस तरीके से जज लोगों से बात करता है, इंग्लिश में बात करे और कोर्ट वकील शुद्ध हिंदी में बात करता है, तो ऑडियंस को चीज़ें समझ नहीं आती, तो इस चीज़ों पर भी बात करी गई है, इसमें दिखाया गया है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो फिर हाँ मूवी काफ़ी इम्प्रेसिव है, और जो बात करी जाती है कि सेक्स एजुकेशन बच्चों के देना चाहिए कि नहीं, तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत भाई छोटे बच्चों को है, क्योंकि एक न्यूज़ ऐसी भाई मैं जानता हूँ, कई सारे न्यूज़ देखने को मिलते हैं, और देखो जहाँ तक मैं जहाँ रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, वहाँ जो लड़कियों के बारे में, देखो अपने बारे में तो जानना सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़कियों का कुछ सेक्स एजुकेशन का ऐसा मैटर होता है जो लोगों को अभी तक नहीं पता होता है, वो जानते हैं 100 फोटो आते हैं। तो फिर एक न्यूज़ ऐसी आई थी मैंने सुना कहीं, जैसे कि एक लड़की को पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं शुरुआती दौर में 12-13 साल में, तो फिर उसको उसका भाई उसको मार देता, क्यों? क्योंकि उसको लगता है इसने सेक्स किया है भाई। तो फिर ये सब चीज़ें होती हैं जो कि लोगों को नहीं पता होती, यहाँ तक बड़े बड़े लोगों को तक नहीं पता होती है, तो ये सब सीन होता है, तो ये सब सीन जानना ज़रूरी होता है कि भाई नहीं तुम अपने बारे में जान गए तो यही सिचुएशन हो गया। और बात करी जाए जहाँ LGBTQ वाला वो मैटर आता है, तो वहाँ जेंडर को कन्फ्यूज करने वाली बात होती है, वो तो गलत है, लेकिन सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ये सब चीज़ें भी बताई जाएंगी, तो इन सब चीज़ों से तो भाई अभी मैं फुल एग्री नहीं करता हूँ, बट देखा जाए तो नॉलेज तो दे देना चाहिए, और जो सोसाइटी होती है उनको सेक्स एजुकेशन की और ऐसे ऐसे मूवी की ज़रूरत है देखने के लिए देखने को। तो ओवरऑल बोले तो मूवी काफ़ी इंटरटेनिंग इम्प्रेसिव और फिर मैसेज अच्छा देती है, तो एजुकेशन के बारे में ना ही जाने तो
मैं इस पे फुल एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन अगर सिलेबस भाई ठीक ठाक रहेगा तो ओके ओके, अदरवाइज तो देख लेंगे आगे। तो बस मूवी मज़ेदार थी, अच्छे सर कमाल के थे, और फिर उनका तो भाई ग्रैंड भाई एकदम सल्यूट है उनको। तो चलो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Thank you.